मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपके हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज जो मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं, इस वीडियो में आपको बस इतना करना है कि घर से निकलते समय आप इसे एक बार बोल दें, इस मंत्र को एक बार पढ़ लें मन में। अगर मैक्सिमम कर सकते हैं तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद एक लोटे से या किसी जलपात्र से जल गिरा दें। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सिर्फ इस मंत्र को पढ़ लें। यकीन मानिए आपके सारे कष्ट खत्म होंगे, आपके विपत्तियों का नाश होगा और आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा। तो जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने आपको परिचय कराया मेरी मैगी से, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, कभी कुछ गिरा दे रही है। तो आपको मैं ये कह रहा था कि आप घर से निकलते समय सिर्फ इसे एक बार पढ़ लें, एक बार बोल दें। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और आपको बोलना क्या है वो सुनिए। आपको जब भी आप घर से निकल रहे हैं आपको कहना है करो तु सानह शुभ हेतुरीश्वरी, करो तु सानह शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानी भद्रान बिहंतु चापदा, करो तु सानह शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानी भद्रान बिहंतु चापदा, शुभानी भद्रान बिहंतु चापदा। मंत्र इस प्रकार एक बार समूचा बोल दे रहा हूं, करो तु सानह शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानी भद्रान बिहंतु चापदा। बस एक बार बोल दीजिए और निकल जाइए अपने काम पे। इससे आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी, आपके सारे काम बनेंगे, आपके विपत्तियों का नाश होगा और आप सुखी जीवन की ओर अग्रसर होंगे, सफल जीवन की ओर अग्रसर होंगे। करके देखिए और पूरे विश्वास के साथ करिए। मित्रों ये श्री सुक्त का एक श्लोक है यार, आनंद आ जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। श्रद्धा से किसको कीजिए, आशा करता हूं आप निश्चित रूप से घर से निकलते समय इसे पढ़ेंगे बोलेंगे, आत्मसात कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं मैं इसको, और एक बार पढ़िए, बहुत आनंद आएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। करके देखिए आपका जाता क्या है इसमें, अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ कि आप निश्चित रूप से करेंगे, विदा लेता हूं आपसे। अगले वीडियो में फिर एक अच्छा सा उपाय लेकर आपके सामने आऊंगा। जय श्री राम।